हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्डर के रिलेटेड है कि मार्केट में किस तरह से ऑर्डर लगाते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको कभी ऑर्डर लगाने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हमारा जो चैनल बना हुआ है किंगडम ऑफ ETF, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे यहाँ जो डेली वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे कि आपको मार्केट के रिलेटेड आपका नॉलेज डेली गेन होता रहेगा। तो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो ऑर्डर किन टाइप के ऑर्डर है, इनका वैलिडिटी क्या रहता है और किस तरीके से हम लगा सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपनी ब्रोकर की जो ऐप है वहाँ पर, आप किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हो वहाँ पे आप वो देख सकते हो। तो मैं आपको लेके चला हूँ अपनी ब्रोकर की ऐप पे। यहाँ पे आप काफ़ी सारा जो आइकन है वो देख सकते हो। इसमें आपको फाइंड करना है GTT। सबसे पहले हम जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो है GTT ऑर्डर, और दूसरा रहता है AMO ऑर्डर। तो AMO और GTT दोनों अलग ऑर्डर है, दोनों का जो वैलिडिटी रहता है वो भी डिफरेंट है। वही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ, और उनका जो तरीका है ऑर्डर प्लेस करने का वो भी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं AM ऑर्डर की। AM ऑर्डर आप कब लगा सकते हो और किन कंडीशन में वो एप्लीकेबल रहता है, मतलब आपका 100% लगता है। AMO ऑर्डर जब मार्केट क्लोज होगा, जैसे कि 9 बज जब खुलता है 9:15 को और 3:30 को क्लोज हो जाता है, तो उसी के बाद ही आप AMO ऑर्डर लगा सकते हैं। लाइव मार्केट में AMO ऑर्डर आपका लगेगा नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो लाइव मार्केट में जो ऑर्डर लगता है उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर ही है, इसीलिए उसको AMO ऑर्डर बोला जाता है। और उनका वैलिडिटी ओनली 1 डे है, वो 1 डे के लिए ही वैलिड रहता है। लेकिन AMO का ऑर्डर का एक एडवांटेज भी है कि आप प्री मार्केट में वो ऑर्डर को अप्लाई करवा सकते हो। प्री मार्केट को किसे बोलते हैं, जो 9 बजे जब मार्केट ओपन होता है, तो ट्रेडिंग डे रहता है उसमें 9 बजे से 9:15 तक जो मार्केट ओपन रहता है उसे प्री मार्केट ओपन कहता है। उस टाइम आप अपना, अगर आपका AMO ऑर्डर लगा है और आपका प्राइस मार्केट प्राइस से मैच हो रहा है तो आपका ऑर्डर उधर लग जाएगा, वो एक बेनिफिट है। लेकिन वो ओनली फॉर स्टॉक के लिए एप्लीकेबल है, ETF को आप AMO ऑर्डर में नहीं लगा सकते, इसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ETF के लिए आपको GTT ऑर्डर लगाना पड़ेगा। GTT ऑर्डर आप स्टॉक में भी लगा सकते हो और ETF में भी लगा सकते हो। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको GTT पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कुछ वो कैसे काम करता है, कौन सा टाइप है, क्या है, वो सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे क्रिएट GTT पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक या जो भी ETF है उसके रिगार्डिंग या उसका उसका आपको सर्च करना है। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे नाम आ गया। अभी मैं आपको एक ETF का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप बाय और सेल दोनों टाइप के GTT ऑर्डर लगा सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी परचेज है तो आप GTT के द्वारा सेल भी कर सकते हो, अगर आपको नया खरीदना है तो नया GTT भी आप लगा सकते हो। जैसे ही आप बाय करेंगे यहाँ पे डिलीवरी में दिखा रहा है, अभी का रेट क्या चल रहा है वो दिखा रहा है। आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना है, फिर यहाँ पे GTT यहाँ पे ऑन है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो अभी GTT ऑन दिखा रहा है, और दो टाइप के प्राइस यहाँ पे दिखाई देंगे, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। अभी का जो मार्केट चल रहा है, मार्केट प्राइस जो चल रहा है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे करीब करीब 38.50 चल रहा है, तो
उसी के रिगार्डिंग हम अपना जीटीटी ऑर्डर अभी क्रिएट करेंगे। जीटीटी का एक रूल्स है दोस्तों, वो आप समझ लीजिए। जीटीटी ऑर्डर करंट मार्केट से आपको डाउन में ही लगाना, तभी आपका वो एक्सेप्टेबल होगा, वरना वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अभी जो मार्केट रेट चल रहा है उससे कम से कम 1% आपका डाउन होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप एंटर कीजिए 1%, मैंने आपको बोला था अभी जो रेट चल रहा है 38.50, तो 38.5 तो ज़्यादा डाउन हो जाएगा, 38 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए हो गए, यहाँ पे दूसरा एक कॉलम हुआ है, यहाँ पे भी हमें प्राइस डालना है, यहाँ पे भी हम डाल देते हैं। ये जो ट्रिगर प्राइस है उससे थोड़ा हाई होना चाहिए तभी आपका लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है, लिमिट प्राइस है, सब हो गया हो गया। यहाँ पे आप जैसे ही क्रिएट जीटीटी पे करोगे, आप फिर यहाँ पे कंफर्म करोगे, आपका ऑर्डर जीटीटी में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका ऑर्डर जीटीटी आपका क्रिएट हो गया। तो इनका जो वैलिडिटी रहता है, अभी ये जो हमने लगाया था ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इनका जो वैलिडिटी रहता है वो 1 ईयर का रहता है। आप यहाँ पे इनका वैलिडिटी देख सकते हो। आप यहाँ देखिए, आपने जो जीटीटी ऑर्डर लगाया था, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी इनका एक्सपायरी कब का दिखा रहा है, आज 17 जनवरी है 2023, तो ये एक्सपायर होगा 17 जनवरी 2024। तो जीटीटी ऑर्डर 1 ईयर तक वैलिड रहता है। अगर 1 ईयर में कभी भी आपका प्राइस, आपका जो ट्रिगर प्राइस आपने जो डाला था उसमें आएगा, उस रेंज में आएगा, आपका ऑर्डर मैच होगा, तो आपका ऑर्डर तुरंत ही लग जाएगा। तो ये इसमें फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है। एम ऑर्डर की बात करूँ तो उनका वैलिडिटी ओनली 1 डे रहता है, 1 डे में वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको हर दिन नया एम ऑर्डर लगाना होगा तभी आपका वो वैलिड रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको जो दो तरीके थे, जो दो ऑर्डर का जो टाइप था, वो दोनों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे बने हुए हैं, इन वीडियो को आप देखिए, यहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलता रहेगा। ये वीडियो में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने दिया हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।